अ वेरी वॉम एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज यू ऑल कैन सी हेयर इज द जनरल नॉलेज ऑफ स्टैंड इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का और चैप्टर नंबर क्या है हमारा फाइव तो देखिए हमारा टॉपिक है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट मतलब इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में क्या क्या है कौन कौन सा स्टेट है तो पहले तो आप उसका देख लो कि वहाँ का पॉइंट कुछ देर आर मेनी स्टेट ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया ठीक है

Uh, पहला पॉइंट है महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया अ टोटल रोड लेंथ ऑफ ओवर टू लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर देर आर एटीन नेशनल हाईवेज एंड मेनी स्टेट हाईवेज ठीक है महाराष्ट्र की बात हो गई ये वहां इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है जिसकी लंबाई क्या है दो लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवाबा लोकेटेड इन नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू है इंडिया का थर्ड पॉइंटेड एट लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट्रिएटेड बाई अटिंग द अर्थ जब एक मेट्योर ने अर्थ को हिट किया था उस टाइम पे इस लेक का फॉर्मेशन हुआ था इट इज द ओनली नोन हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रिएटर इन बेसल्टिक रॉक एनी पेयर ऑन अर्थ बस यही एक रॉक बस यही एक लेक है जो कि इस तरीके से बना है ठीक है तो उसके बाद है हमारा स्ट्रेंज बट ट्रू ऑल इन शनि शिगनापुर हैव नो डोर्स ऐसा माना जाता है कि शनि शिग्नापुर में सारे जितने भी घर हैं वहां का कोई दरवाजा नहीं होता है इट इज अलेज सिचुएटेड इन नाइवासा तालुका इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इट इज फेमस फॉर टेम्पल डेडिकेटेड टू शनी प्लान सैटर्न सैटर्न को हम लोग सनी बोलते हैं ना तो वहाँ का ये मानना है कि वहाँ पे जितने घर है ना उसकी रक्षा कौन करते हैं शनि देव करते हैं इसलिए वहाँ पे कोई दरवाजा नहीं होता है मतलब वहाँ पे चोर डकैत इन सब लोग इन सब का कोई डर ही नहीं है उसके बाद है हमारा द डेड बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेबियर इज प्रिजर्व इन बेसिलीका ऑफ बॉम जीसस चर्च द चर्च इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड गोवा स्विंग द ग्लेम्स ऑफ पोर्टुगीज ट्रेडिशन इस चर्च में आ, कौन से किनका डेडबॉडी है सेंट फ्रांसिस जेबियर का जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है और वो पैथर्न सेंट ऑफ गोवा का पैथर्न सेंट उनको माना जाता है ठीक है इसके बाद आप देखिए इधर है The first printing press of Asia was installed at St Paul's College in Goa in 1956. पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था पूरे एशिया का वो कहाँ इंस्टॉल हुआ था? सेंट पॉल्स कॉलेज में। Goa is the only place where one can hire a two-wheeler taxi called pilots. These motorcycle taxis are a cheap form of transport and are identified by their yellow license plate. यहाँ पे जैसे मोटरसाइकिल होता है ना उसको लोग हायर करते हैं और ये टू व्हीलर टैक्सी है। बस यही एक प्लेस है जहां पे लोग टू व्हीलर टैक्सी हायर करते हैं और इसका सिंबल क्या है येलो लाइसेंस प्लेट उसके बाद है इज एशिया ओनली फ्लोटिंग कैसीनो एंड इज लोकेटेड इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ पंजी इन गोवा डेल्टीन कैराबेला जो है वो एशिया का एकमात्र फ्लोटिंग कैसीनो है जो कि कहा लोकेटेड है पंजी में कोस्टल वाटर्स ऑफ पंजी नेक्स्ट है गुजरात हैज एटीन एयरपोर्ट्स विच मेक्स इट द स्टेट विथ द हाइस्ट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया गुजरात का गुजरात में टोटल एटीन नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है ठीक है तो ये इंडिया को हाइस्ट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एयरपोर्ट बनाते हैं मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा अगर एयरपोर्ट है सबसे ज्यादा अगर प्लेन जहां से निकलती है तो वो कौन सा स्टेट है गुजरात है द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी ब्रेकिंग यार्ड इज इन गुजरात नियर भाव एट अलांग ठीक है ये भी गुजरात की बात हो गई और लास्ट है हमारा नॉर्थ लास्ट गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात इज द ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी इन द होल ऑफ एशिया पूरे एशिया की अगर बात की जाए ठीक है पूरे एशिया की अगर बात की जाए तो जो गांधीनगर है गांधीनगर क्या है गुजरात का कैपिटल है तो वो ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा हरियाली होती है वैसा शहर है वो और लास्ट है हमारा गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया पूरे इंडिया में मिल्क का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है गुजरात में होता है और वो है क्या आनंद डेयरी ठीक है तो आप ये सारा कुछ आ, मैंने इसे समझा दिया है इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रहेंगे बाकी इसका आपको पी डी एफ भी मिल जाएगा चिल्ड्रेन बी सेफ एंड थैंक यू